दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ 10,000 के अंदर कंप्यूटर कैसे बनेगा और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे। सब पार्ट मैं आपको इंडिविजुअल करके बताऊँगा। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद कंप्यूटर के रेट इतने बढ़ गए थे कि 10,000 के अंदर कंप्यूटर बनाना लगभग इम्पॉसिबल सा हो गया था। पर अभी मार्केट में वापस स्टेबिलिटी आई है, जिसके हिसाब से अपन 10,000 के अंदर कंप्यूटर बना सकते हैं। और 10,000 के कंप्यूटर जो बनेगा उसके अंदर क्या क्या पार्ट लगेंगे वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा लाइव डेमो के साथ में। सबसे पहला पार्ट आता है कंप्यूटर का प्रोसेसर। ये कंप्यूटर का प्रोसेसर है, ये इसको बोलते हैं कंप्यूटर का इंटेल का कोर स्टूडियो प्रोसेसर। ये 1333 और ये G41 मदरबोर्ड के ऊपर लगता है। इसके ऊपर आप 4 GB तक की रैम सपोर्ट चला सकते हैं। DDR3 के दो रैम 2 2 GB के इसके ऊपर चलते हैं। और ये कौन से मदरबोर्ड के ऊपर लगता है मैं आपको बताता हूँ। ये जेब्रोनिक के G41 मदरबोर्ड के ऊपर लगता है ये प्रोसेसर। और इस मदरबोर्ड के अंदर दो स्लॉट दिए हुए हैं रैम के। मैं अभी 10,000 के अंदर बनाना है, इसके लिए एक रैम इसके साथ में बताऊँगा। दो रैम के स्लॉट हैं इसके अंदर और वो प्रोसेसर इसके ऊपर लग जाता है। प्रोसेसर हो गया और मदरबोर्ड हो गया। थर्ड प्रोडक्ट आता है इसकी रैम। ये रैम आएगी, ये मार्केट में आपको हाइनिक्स कंपनी की 2 GB की DDR3 रैम मिल जाएगी। आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं और ऑफलाइन भी कंप्यूटर की शॉप पे मिल जाती हैं। पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस मदरबोर्ड के अंदर कौन सी रैम लगेगी। मैं आपको अभी 2 GB की इसके साथ में रैम बताऊँगा, आपको टोटल प्रोडक्ट का सब करके आपको बताऊँगा। और इसके बाद आता है हार्ड डिस्क। इसके अंदर 250 GB का हार्ड डिस्क मैं पकड़ रहा हूँ अभी 10,000 के अंदर। और 250 GB का हार्ड डिस्क इसके अंदर लगा सकते हैं। इसके अंदर आप 250 GB के 3 हार्ड डिस्क भी एक साथ चला सकते हैं। 250 का भी लग जाता है, 500 का भी लग जाता है, 1 TB का भी लग जाता है। पर जिस हिसाब से 10,000 का कंप्यूटर अपन बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर मैं 250 GB का हार्ड डिस्क साथ में पकड़ रहा हूँ। इसका मैं सब टोटल करके आपको लास्ट में वीडियो के एंड में बताता हूँ। आप वीडियो को देखते रहिए और ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको 10,000 का PC बनाना आप चाहते हैं, आपके घर के यूज़ के लिए, आपके बच्चों को सिखाने के लिए, आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, ऑफिस यूज़ के लिए। और उसके बाद आता है 120 GB SSD। ये SSD हार्ड ड्राइव भी इसके अंदर लग सकता है, जो नॉर्मल हार्ड डिस्क से 10 गुना फास्ट चलता है। अगर SSD हार्ड डिस्क ये कंप्यूटर के अंदर लगा दिया तो इसका परफॉर्मेंस जो है वो ये कंप्यूटर से 10 गुना बेटर हो जाता है। इसके अंदर आप विंडोज 10 भी डाल सकते हैं। अब जो 250 GB का हार्ड डिस्क अपन साथ में पकड़ रहे हैं, इसके अंदर आप विंडोज़ 10 32 भी डाल सकते हो। आप इसके अंदर 120 GB का SSD डाल सकते हैं और इसके अंदर विंडोज़ 10 डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आता है इसका CPU फ़ैन। ये CPU फ़ैन आपको परचेज़ करना पड़ेगा कोर स्टूडियो प्रोसेसर के साथ में। मैं इनकी सब की कीमत बताऊंगा, पर जो पार्ट पहले आपको बता देता हूँ इंडिविजुअल क्या क्या पार्ट लगेंगे। उसके बाद आता है इसका LCD मॉनिटर। ये इंटर कंपनी का LCD मॉनिटर है। LED HDMI पोर्ट भी इसके अंदर है, VGA पोर्ट भी है। HD क्वालिटी का LED मॉनिटर है। इसकी कीमत 3250 है, जो मैं इसके साथ में ऐड करके बताऊंगा, 10,000 में साथ में ऐड करके बताऊंगा। उसके बाद आता है इसका कैबिनेट, जो ये सब पार्ट इसके अंदर लगेंगे। ये जेब्रोनिक कंपनी का कैबिनेट है, न्यू सील पैक बॉक्स पैक कैबिनेट है। और इसकी कीमत है 1,550 रुपया SMPS के साथ में। ये सब पार्ट इसके अंदर फिट होंगे। LCD अलग रहेगा, कीबोर्ड माउस अलग रहेगा। और उसके बाद आता है कीबोर्ड माउस। ये जेब्रोनिक कंपनी का कीबोर्ड एंड माउस है। इसकी कीमत है 400 रुपीज़ न्यू पैक पीस। अब मैं इन सब की आपको टोटल इंडिविजुअल प्राइस बताता हूँ। सबसे पहला प्रोडक्ट आता है इनका प्रोसेसर, इसकी कीमत 600 रुपीज़ है। उसके बाद इसके ऊपर एक जो फ़ैन लगता है उसकी कीमत 250 रुपीज़ है। ये भी मार्केट में आपको मिल जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पर भी आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और मेरे पास भी ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इंडिया में कोई भी कोने में अगर प्रोडक्ट चाहिए ये, तो हमारे पास भी अवेलेबल है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बॉम्बे में मेरा शॉप है, हमारे इधर से भी हम लोग कुरियर से ये मटेरियल भेजते हैं। इसकी कीमत 250 रुपीज़ है, उसके पहले वाले की कीमत 600। उसके बाद आता है मदरबोर्ड।
मदरबोर्ड की कीमत है 2500 रुपीज़, 2500 रुपया, इसके साथ में ऐड करते जाइए। और उसके बाद आता है रैम, जिसकी कीमत 650 रुपीज़ है। मैं इसके साथ में 2 GB का रैम ही पकड़ रहा हूँ, ये हाइनिक्स कंपनी का है, DDR3 2 GB रैम इसको बोलते हैं, वो ये मदरबोर्ड के ऊपर चलती है। इसकी कीमत 650 रुपीज़ है। और अगर आप इसको साथ में और लगाना चाहते हैं तो बाद में भी एक 650 का रैम लेके और इसके ऊपर लगा सकते हैं। और उसके बाद आता है हार्ड ड्राइव, ये 250 GB का हार्ड डिस्क है, इसकी कीमत 850 रुपीज़ है। और जो मैंने SSD हार्ड ड्राइव बताया था, उसकी कीमत थी 1650। अभी मैं इसके कंप्यूटर के साथ में ये हार्ड डिस्क पकड़ रहा हूँ, इसकी कीमत 850 रुपीज़ है, आप उसके साथ में ऐड कर लीजिए। और ये कैबिनेट, ये जो कैबिनेट है इसकी कीमत है 1550 रुपया, 1550। और ये LED मॉनिटर है, इसकी कीमत है 3250। और ये जेब्रोनी का कीबोर्ड में माउस है, इसकी कीमत है 400 रुपीज़। ये सब टोटल मारते हैं तो टोटल होता है 10,050 रुपीज़। इसके अंदर आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम रेडी हो जाता है। और ये प्रोडक्ट अगर आप ऑनलाइन से लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और अगर हमारे से लेना चाहते हैं तो हमारे शॉप का एड्रेस पता सब इस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ पर कॉन्टेक्ट करके आप मंगा सकते हैं। हर प्रोडक्ट की वारंटी है, 1 साल तक की इसकी वारंटी मिलती है हर प्रोडक्ट की, और एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस है। मैं खुद ये PC को मेरी शॉप के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, एकदम टकाटक चलता है, स्मूथली चलता है, 10,000 के अंदर ये PC बिल्ड कर सकते हैं आप। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे को मैसेज पूछ सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू, धन्यवाद।